नमस्कार। हम यादृच्छिक प्रक्रियाओं के विषय में चर्चा कर रहे थे एवं हमने यह देख लिया था कि एक यादृच्छिक प्रक्रिया के गुणधर्म क्या होते हैं। हमने स्थावरता, अभ्यतिप्रायता एवं चक्रीय स्थावरता को देखा था। इसके साथ साथ हमने यह भी देख लिया है कि किस प्रकार हम एक यादृच्छिक प्रक्रिया को एक संकेत के रूप में देख सकते हैं, एक निश्चित रूप से एक यादृच्छिक संकेत के रूप में। अब हम जिस प्रकार हमने गौसीय यादृच्छिक चरों की चर्चा की थी, गौसीय यादृच्छिक साजिशों की चर्चा की थी, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम गौसीय अनुक्रमों की चर्चा कर सकते हैं, किंतु गौसीय अनुक्रम एवं गौसीय यादृच्छिक प्रक्रियाएं एक समान ही होंगी, इसीलिए हम सीधा गौसीय यादृच्छिक प्रक्रियाओं की चर्चा करते हैं। एक यादृच्छिक प्रक्रिया गौसियन अथवा गौसीय कहलाती है यदि सभी n और ti के लिए ti i बराबर 1 से n संयुक्त रूप से गौसियन यादृच्छिक। अर्थात यदि XT1, XT2, XTN यदि ये संयुक्त रूप से गौसियन, यदि ये संयुक्त रूप से गौसियन यादृच्छिक चर हैं, तब XT1 यादृच्छिक प्रक्रिया है। अब एक गौसियन प्रक्रिया का मध्यमान फलन mxt एवं स्व सहसंबंध फलन RxX T1 T2 उसके संपूर्ण सांख्यिकीय गुणधर्मों की पर्याप्त सूचना देते हैं। गौसियन यादृच्छिक चर को हम चर के संपूर्ण सांख्यिकीय गुणधर्म हम उसके मध्यमान एवं प्रसरण द्वारा बता सकते हैं। एक गौसियन यादृच्छिक सादिश के संपूर्ण गुणधर्म हम उसके मध्यमान सादिश एवं सहप्रसरण आव्यूह के द्वारा बता सकते हैं। उसी प्रकार एक गौसियन यादृच्छिक प्रक्रिया के संपूर्ण सांख्यिकीय गुणधर्म हम उसके मध्यमान फलन एवं स्व सहसंबंध फलन, मीन फंक्शन एंड ऑटोकोरिलेशन फंक्शन, इनके द्वारा बता सकते हैं। अब हम गौसीय यादृच्छिक प्रक्रियाओं के कुछ विशेष गुणधर्मों की चर्चा करेंगे। यदि एक गौसियन यादृच्छिक प्रक्रिया XT को एक प्रणाली HT से प्रवाहित तब YT बराबर HT कुंडलीकरण XT जो कि उस प्रवाह के फलस्वरूप हमें यादृच्छिक प्रक्रिया प्राप्त होगी, XT को HT से प्रवाहित करने के फलस्वरूप जो यादृच्छिक प्रक्रिया YT हमें प्राप्त होगी, वह प्रक्रिया भी एक
गौसियन यादृच्छिक प्रक्रिया ही होगी। एक दो, क्योंकि एक गौसियन यादृच्छिक प्रक्रिया को उसके मध्यमान फलन एवं स्वसहसंबंध फलन द्वारा पूर्णतः परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात यदि उसका मध्यमान फलन और स्वसहसंबंध फलन पर कोई विशेष गुणधर्म लागू होता है तो वह उस प्रक्रिया पर भी लागू होगा, अर्थात एक गौसियन यादृच्छिक प्रक्रिया व्यापक रूप से स्थावर होने पर पूर्णतः स्थावर होती है। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है इन द सेंस ऑफ गौसियन रैंडम प्रोसेसेस वाइड सेंस स्टेशनरिटी इंप्लाइज स्ट्रिक्ट सेंस स्टेशनरिटी। तीन, एक गौसियन प्रक्रिया अभ्यति प्राय होगी यदि अनंत से अनंत आर एक्स एक्स टाओ डी टाओ, यह अर्थात यदि एक गौसीय यादृच्छिक प्रक्रिया का स्वसहसंबंध फलन, एक स्थावर गौसीय यादृच्छिक प्रक्रिया का स्वसहसंबंध फलन निरपेक्ष रूप से समाकलनीय है, तब वह गौसीय यादृच्छिक प्रक्रिया अभ्यति प्राय होगी। चार, प्रक्रियाएं एक्स टी एवं वाई टी संयुक्त गौसियन होंगी यदि सभी एम एन के लिए यादृच्छिक चरों का समूह एक्स टी एक एक्स टी एन वाई टी एक वाई टाउ एम, ये केवल टी एवं टाउ दोनों समय को इंगित करते हैं, यादृच्छिक चरों का यह समूह, यह एक संयुक्त गौसियन सादृश। यादृच्छिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में ही एक प्रक्रिया को श्वेत कहा जाता है, एक यादृच्छिक प्रक्रिया को श्वेत कहा जाता है यदि उसका पीएसटी अर्थात शक्ति वर्णपट शक्ति वर्ण घनत्व सपाट हो, अर्थात एस एक्स एक्स एफ एफ का फलन ना हो, वह किसी अचर के बराबर हो। यह इसकी सरल परिभाषा है। इसका अर्थ यह है कि एस एक्स एक्स एफ एफ के फलन के रूप में इस प्रकार व्यवहार करेगा। अब यहाँ देखने योग्य बात यह है कि यह सपाट है, अर्थात सभी आवृत्ति दरों का, सभी आवृत्तियों का इसमें, क्योंकि एक शक्ति वर्ण घनत्व हमें यह दर्शाता है कि कौन सी आवृत्ति दर उसमें कितना भाग दे रही है, कौन सी आवृत्ति दर का शक्ति में कितना योगदान है। तो एक सपाट शक्ति वर्ण घनत्व हमें यह दिखाता है कि सभी आवृत्ति दरों का शक्ति में एक समान योगदान है, अर्थात जिस प्रकार श्वेत प्रकाश, सूर्य का प्रकाश श्वेत होता है, जिस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश में जो कि श्वेत होता है, सभी आवृत्तियां सभी रंग आवृत्तियों के रूप होते हैं, जिस प्रकार सूर्य के श्वेत प्रकाश में सभी आवृत्तियां सभी रंग एक समान उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार एक श्वेत यादृच्छिक प्रक्रिया में सभी आवृत्तियों का योगदान एक समान ही होता है। इसीलिए
एक ऐसी यादृच्छिक प्रक्रिया जिसका पीएसटी अथवा शक्ति वर्ण घनत्व सपाट हो उसे श्वेत यादृच्छिक प्रक्रिया कहा जाता है। अब इस श्वेतता यादृच्छिक प्रक्रिया की श्वेतता का अर्थ है कि एस एक्स एक्स एफ बराबर है के, किंतु हम जानते हैं कि एस एक्स एक्स एफ उसके यह उसके स्व सहसंबंध फलन का फूरिये परिवर्तन है, अर्थात फूरिये परिवर्तनों की के गुणधर्मों का प्रयोग करते हुए हम कह सकते हैं कि यह अर्थात टी एक्स हम स्व सहसंबंध फलन को इस रूप में भी लिख सकते हैं बराबर है के डेल्टा टाउ। यदि टाउ बराबर शून्य तब एक्स टी अपने समय विस्थापित रूप के साथ स्व सह संबंधित होगा अन्यथा नहीं। टाउ बराबर शून्य पर यह अपने समय विस्थापित रूप के साथ स्व सह संबंधित होगा, अन्यथा यह अपने समय विस्थापित रूप के साथ स्व सह संबंधित नहीं होगा, यह अन्यथा नहीं। अर्थात वह यादृच्छिक प्रक्रिया समय के उस विशेष बिंदु को छोड़कर अन्य सभी स्थानों पर अपने साथ असह संबंधित है। यह मानते हुए मध्यमान फलन शून्य है, यह मानते हुए कि मध्यमान फलन शून्य है, यदि मध्यमान फलन शून्य है तब वह यादृच्छिक प्रक्रिया एक श्वेत यादृच्छिक प्रक्रिया, इसे मैं इस प्रकार लिखता हूं, एक श्वेत यादृच्छिक प्रक्रिया जिसका मध्यमान शून्य है वह एक विशेष बिंदु को छोड़कर अपने सभी अपने साथ असहसंबंधित है। यह यादृच्छिक प्रक्रियाओं की श्वेतता को समय के रूप में समझने का एक तरीका है, समय प्रांत में उन्हें समझने का एक तरीका है। अब हम यह देख चुके हैं कि एक गौसीय यादृच्छिक प्रक्रिया क्या होती है, एवं हम यह भी देख चुके हैं कि एक श्वेत यादृच्छिक प्रक्रिया किसे कहते हैं। श्वेतता एवं गौसियनत्व हम समझ चुके हैं। अब हम संचार अभियांत्रिकी के सबसे मूलभूत सिद्धांत की चर्चा करेंगे, जो कि सिद्धांत संचार अभियांत्रिकी एवं प्रायिकता को जोड़ता है, वह है रव अथवा नॉइस। संचार अभियांत्रिकी में हमारा मूल उद्देश्य है संकेतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। यदि हमारे पास कोई संकेत ST है तब संचार में हमारा उद्देश्य होगा कि इस संकेत को हम यहाँ से यहाँ पहुँचाएँ। यह हम तारों द्वारा भी कर सकते हैं, बिना तारों के विद्युत चुंबकीय तरंगों का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, अनेक रूपों से कर सकते हैं, किंतु सभी रूपों में हमें इसे कुछ परिपथों से गुजारना होता है। एंटीना होते हैं, कुछ परिपथ होते हैं, कुछ परिपथों से प्रवाहित होता है, यह वातावरण से प्रवाहित होता है। इस प्रवाह में यह ST में, क्योंकि ऐसा आवश्यक नहीं है कि परिपथ केवल जो इलेक्ट्रॉन परिपथों में चलने वाले इलेक्ट्रॉन केवल वोल्टेज के प्रवाह से ही बढ़े, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह केवल वोल्टेज द्वारा ही नहीं तापमान द्वारा भी प्रभावित होता है, तो कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका प्रवाह तापमान द्वारा प्रभावित होता है एवं वह विद्युत धारा की प्रवाह की दिशा में नहीं चलते। इसी प्रकार वातावरण में कई प्रकार की असमानताएँ होती हैं, कई प्रकार के बाहरी ऐसे विक्षोभ होते हैं जो कि आकर इस संकेत में जुड़ जाते हैं, एवं हमें इस संकेत के साथ साथ
कुछ अवांछित संकेत भी मिलते हैं। ध्वनि संकेतों के संदर्भ में आप इसे आसपास से आने वाली विभिन्न प्रकार की ध्वनियों के रूप में देख सकते हैं। जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके आसपास इतने प्रकार की ध्वनियाँ आ रही होती हैं कि वह उसमें अवांछित संकेत होते हैं। तो यह विद्युत संकेतों के संदर्भ में यह अवांछित संकेत रव अथवा नॉइस कहलाते हैं। अब संचार अभियांत्रिकी में साधारणतः हम यह मानते हैं कि यह विक्षोभ इतने स्थानों से आ रहे हैं, इतने अधिक स्थानों से आ रहे हैं, उन्हें अलग करना संभव नहीं है। इसलिए हम उनका कुल जोड़, यदि हम यह माने कि स्थान एक से विक्षोभ डब्ल्यू एक टी आ रहा है, स्थान दो से विक्षोभ डब्ल्यू दो टी आ रहा है, यह सब आकर हमारे संकेत में जुड़ रहे हैं। अर्थात अलग अलग स्थानों से आने वाले विभिन्न विक्षोभ डब्ल्यू एक टी डब्ल्यू दो टी यह आकर जुड़ रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि यह सभी विक्षोभ अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं एवं हम इन्हें एक दूसरे से स्वतंत्र मान सकते हैं। अब क्योंकि यह विक्षोभ अलग अलग स्थानों से आ रहे हैं, हम इन्हें स्वतंत्र मान सकते हैं एवं हम इनके जोड़ की ही बात कर रहे हैं। अर्थात यदि हम केंद्रीय सीमा प्रमेय को याद करें, केंद्रीय सीमा प्रमेय को स्मरण करने पर हमें ज्ञात होगा कि हम यह कह सकते हैं कि यह विक्षोभ अनेक हैं, स्वतंत्र हैं एवं इनका जोड़ कुल विक्षोभ होगा। अर्थात इस विक्षोभ का, इस रव का घनत्व फलन केंद्रीय सीमा प्रमेय का प्रयोग करते हुए गौसियन होगा। अर्थात यह रव गौसियन रव है। इस रव का घनत्व फलन समय के प्रत्येक बिंदु पर, यह निश्चित रूप से यह एक यादृच्छिक प्रक्रिया है, अर्थात समय के प्रत्येक बिंदु पर यह रव गौसीय रव होगी। यह रव एक गौसीय यादृच्छिक चर होगा अथवा यह गौसीय रव होगी, इसे हम गौसीय रव कहते हैं। इसी प्रकार इसमें सभी प्रकार की आवृत्तियां समाहित हैं। इसकी भौतिक परिकल्पना कुछ कठिन है, वह मैं चर्चित नहीं करूँगा, किंतु हम यह मानकर चलते हैं कि क्योंकि यह अनेक स्थानों से आ रही है तो इसमें सभी प्रकार की आवृत्तियाँ समेत होंगी एवं उनका प्रभाव मूल रूप से एक समान ही होगा। अर्थात यह एक श्वेत यादृच्छिक प्रक्रिया है। अब इसमें सभी आवृत्तियों का योगदान है, अर्थात यह श्वेत यादृच्छिक प्रक्रिया, साथ यह श्वेत राज्य यादृच्छिक प्रक्रिया है। अब यह ध्यान देना आवश्यक है कि यह, अब हम यदि यह गौसीय है एवं यह श्वेत है एवं यह जुड़ती है, अब हम इन तीनों गुणधर्मों को एक एक करके लिखते हैं। रव हमारे द्वारा अभीप्सित संकेत में जुड़ती है, अर्थात यह योज्य, जुड़ने का अर्थ है योग, अर्थात यह योज्य है। दो, सभी आवृत्तियों का
समान योगदान है, अर्थात यह श्वेत है। तीन, हमने यह सिद्ध किया था कि यह गौसीय यादृच्छिक चर है, यह एक गौसीय अर्थात यह योज्य है, रब योज्य है, श्वेत है, गौसीय है, अर्थात हम इसे योज्य श्वेत गौसीय रब अथवा एडिटिव वाइट गौसियन नॉइस कहते हैं। आपने वाइट नॉइज बहुत सुना होगा, वाइट नॉइज़ को हम हिंदी में श्वेत रव कह सकते हैं। श्वेत रव अर्थात अथवा वाइट नॉइज मूलतः वाइट गौसियन नॉइज अथवा वाइट श्वेत गौसीय रव ही होती है, एवं यह संचार अभियांत्रिकी में प्रयुक्त एक मूलभूत सिद्धांत है। संचार अभियांत्रिकी में प्रयोग होने वाला सबसे साधारण प्रकार की रव है, जिसकी चर्चा हम संचार अभियांत्रिकी कोर्स में अनंत काल तक कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा प्रायिकता एवं यादृच्छिक प्रक्रियाओं के इस कोर्स का यह सिद्धांत रूप समाप्त होता है अथवा सिद्धांत वाला भाग समाप्त होता है। आशा है कि आपने इसके उदाहरण भी देख ही लिए होंगे। धन्यवाद।